गुड मॉर्निंग एवरीबडी, यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लास एंड वी आर इन आवर सिक्स क्लास टुडे। आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। क्लास सिक्स में हम चैप्टर सेकंड को स्टडी कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का जो नाम है वह है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अपनी एक्सरसाइज 2.1 को आज हम कंप्लीट सॉल्यूट करेंगे अपनी इस वीडियो क्लास में, तो बने रहेगा अपनी वीडियो के अंत तक। चलने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज की वीडियो क्लास में हम लोग क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। अपनी वीडियो क्लास में बेटा आज हम होल नंबर को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे अपने इंट्रोडक्शन टू नेचुरल एंड होल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, इनको जानते हुए हम आगे चलेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि हमारे जो होल नंबर्स होते हैं इन्हें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, होल नंबर पर आधारित जो भी संक्रियाएं होती हैं उसे हम नंबर लाइन पर कैसे करते हैं, और होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिवीजन हम कैसे करते हैं होल नंबर्स में, पैटर्न क्या होते हैं, उसमें मैजिक स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब कुछ जानकारी हम आज की अपनी वीडियो क्लास में जो है सीखने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एंड इट इज आवर एक्सरसाइज 2.1, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। बट मैं जूम कर लेता हूँ इसके लिए, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सको। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 2099। सेकंड क्वेश्चन, राइट द थ्री होल नंबर्स अक्यूरिंग जस्ट बिफोर 45001। कम ऑन टू ब्लैक बोर्ड, द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 2099। इससे आगे बेटा हम लोग लिखेंगे, जो नंबर हमारे सामने दिया गया है हम उसमें 1 प्लस कर देंगे। बेटा 2099 को हम 1 से प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा 2100। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 करते चले जाएंगे और हमारे पास पूरी 3 नंबर्स आ जाएंगे। 2099 को हमने 2 से प्लस किया और हमारे पास नंबर हो गया 2101। इसी प्रकार से हम इसमें 3 प्लस करेंगे और हमारे पास नंबर है 2099 प्लस 3 इक्वल टू 2102। और इस तरीके से बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा, जस्ट लाइक सेकंड क्वेश्चन, राइट द थ्री होल नंबर्स अक्यूरिंग जस्ट बिफोर 45001। इस प्रकार के बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस किया तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, और ये बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन को आपके सामने रखा है पूरे एक साथ, जैसे कि हम समय को बचा सकें। जिस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पर किया है, आफ्टर दैट मीन्स हम उसे प्लस करेंगे और वो जो बात करता है जस्ट बिफोर की, तो जस्ट बिफोर में हम लोग उससे माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमें जो भी नंबर हमारे सामने दिया गया है उससे ठीक पहले वाले नंबर हमारे सामने आ जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 45001 से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये 45000। इसी प्रकार से 45001 से हमने 2 को माइनस किया यहाँ, और ठीक इसी प्रकार से बेटा ये नंबर हमारे पास आ गया और हमने यहाँ पर जो है माइनस 3 किया है, क्योंकि वो बात करता है 3 होल नंबर्स, कितने नंबर्स की बात कर रहा है 3। तो हमने एक एक करके पहली बार हमने 1 को माइनस किया, फिर 2 को माइनस किया, फिर 3 को माइनस किया। इस प्रकार से हमको जो है जस्ट बिफोर, इससे ठीक पहले की जो संख्याएं हैं हमें 3 वो हमें पता चल जाती है। हम क्वेश्चन नंबर 3 में बात करने जा रहे हैं अपने प्रेडिसर्स की, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे अपने सक्सेसर्स की, यानी कि जो है हमारे जो प्रेडिसर्स हैं और सक्सेसर्स हैं बेटा, इन्हें हम एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं बेटा होल नंबर की, तो होल नंबर की हम बात करें तो हमें पता चलता है ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर सच एज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हम लोग लिखते हैं होल नंबर्स आर डेनोटेड बाई W से W के हम द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। यदि प्रेसिडेंस एंड सक्सेसर की बात करें तो द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इज इट्स प्रेसिडेंस। अब आप कहोगे कि सर आप बहुत तेजी से बोलते चले जा रहे हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा मैं इसे हिंदी में आपको बड़े स्लोली और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं यदि हम उनमें 0 को साथ ले लें तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है बेटा। और इस प्रकार से हम लोग बात करें तो जो नंबर हमारे जो काउंटिंग नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार से आगे चलते चले जाते हैं, यदि हम उसमें 0 से स्टार्ट करें तो वह हमारा होल नंबर कहलाएगा और इसे हम जो है W से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम प्रेसिडेंस और सक्सेसर की बात करें, जो प्रेडिसर्स होते हैं और जो हमारे सक्सेसर्स होते हैं, यदि हम इनकी बात करें तो द नंबर जस्ट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर,
दिए गए नंबर से ठीक पहले जो नंबर होता है इज कॉल्ड इट्स प्रेसिडेंस, तो वह उससे पूर्ववर्ती संख्या कही जाती है। इसी प्रकार से हमारा बेटा सक्सेसर होता है, इसी प्रकार से हमारा सक्सेसर होता है। हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड। एग्जांपल्स की बात करें तो प्रेसिडेंस ऑफ 7239 इज 7238। कैसे हुआ? 7239 माइनस 1, अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से प्रेसिडेंस ऑफ 75630 इज 57629। क्यों हुआ ऐसा? 57630 माइनस 1। उसी प्रकार से द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेसर्स ऑफ 72365 इज 72366। ऐसा क्यों हुआ? 72365 प्लस 1, वो हमने प्लस कर दिया है। और हम लोग देखेंगे सक्सेसर ऑफ 51979 इज 51980। क्यों हुआ ऐसा? 51979 प्लस 1। यह क्वेश्चन हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें प्रेडेसर्स और आपके सक्सेसर्स के बारे में बताया गया है। और इसे बेटा समय बचाने के लिए मैं इनको पहले सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। यह बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जो है मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर लिया आपके लिए। इस प्रकार से हम लोग देखें प्रेसिडेंस ऑफ 48517 इज 48516। तो हम लोग देखें यहाँ ये जो बेटा नंबर है 17, यहाँ पर 16। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिए गए नंबर से हमने 1 को माइनस कर दिया है। ठीक इसी प्रकार आप दिए गए नंबर से 1 को माइनस करते चले जाएंगे तो हमको जो है प्रेसिडेंस मिल जाएंगे। और उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं अपने सक्सेसर की, तो यहाँ पर जो है 2099, इसका जो सक्सेसर की बात करें तो कितना होगा? 2100। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने जो है यहाँ 1 प्लस कर दिया है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको समझ पाए होंगे। ये बेटा इसके यही आंसर्स होंगे और ये इस प्रकार से ये इसके यहाँ आंसर्स होंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और बेटा हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट दिस ऑन द नंबर लाइन। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारे सक्सेसर्स दे रखे हैं तो सक्सेसर ऑफ 9 को हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, उस पर दर्शाना है। और ठीक उसी प्रकार से हमको जो है क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में प्रेडेसर्स को भी जो है दिखाना है। यहाँ पर ओके 8 के प्रेडेसर्स के रूप में हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम इसको कर लेते हैं बेटा, और मैं तेजी से पहले लाइन स्क्रेच कर लेता हूँ जिससे कि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने लाइन स्क्रेच कर ली बेटा आपके लिए। तो यहाँ पर पूछता है कि 9 का सक्सेसर क्या है। इन शॉर्ट में हम बात करें, सीधे शब्दों में बात करें तो 9 के बाद आने वाली कौन सी संख्या होती है, तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर नंबर लाइन पर वहां पर दिखाने की कोशिश की, आप देख पा रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार से हम 9 से एक कदम आगे चलेंगे, एक नंबर आगे चलेंगे तो वही हमारा जो है सक्सेसर होगा। उसे हमने यहाँ पर भी दर्शाने की कोशिश की है, 9 + 1 = 10। तो ये जो 10 है बेटा यही हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। 5 के सेकंड पर चलते हैं, जहां पर आपको जो है प्रेसिडेंस के बारे में बताया गया है। सीधी सीधी हम बात करें आसान शब्दों में तो 8 से ठीक पहले आने वाली संख्या बताइए। तो नंबर लाइन पर हम लोग यहां से आगे चलते हैं और अब पहुंच जाते हैं 8 के पास। यहां पर 8 पर पहुंचे, अब इसे ठीक पहले का कदम कौन सा है? 7 है। हम ऐसे नंबर लाइन से पता कर सकते हैं और जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि हम 8 से 1 को माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि 8 से ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन। यानी कि ये जो दो संख्याएं दी गई हैं, संख्याओं के बीच हमें कितने होल नंबर्स हैं ये फाइंड आउट करना है। 6 and 54, यहां पर 1005 and 7512। इसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड पे दिखाया गया है 410 and 683। यानी कि इन नंबर्स के बीच कितने होल नंबर्स हैं हमको ये फाइंड आउट करना है। अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं बेटा। इसमें से मैंने बेटा आपके लिए ये करके दिखाया है। यहाँ पर वो कह रहा था कि 6 और 54 के बीच कितने होल नंबर है पता कीजिएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 6 को माइनस कर देना है 54 से, तो कितने नंबर वहां पर हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन उसमें हमने क्या करना होगा, 54 माइनस 6 माइनस 1
इक्वल टू 47। इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से बेटा आपको बाकी जो शेष इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, वो भी आपको करने होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप कर लीजिए, कोई क्वेरीज होती है उसे पूछेगा। अच्छा चलिए मैं बाकी के सभी एक साथ करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ठीक, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को करेंगे बेटा, और यहाँ पर थर्ड पार्ट को करेंगे, और इस प्रकार से फोर्थ पार्ट को करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को समझा बेटा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो है 54-6, एक कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। तो 54-6 कितना हुआ, 48। लेकिन यहाँ पर दोबारा से माइनस क्यों किया, वो इसलिए बेटा कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 6, ना तो हमें 6 को साथ लेना है और ना ही 54 को साथ लेना है। 6 और 54 को हमें जो है छोड़ देना है, फिर 7 से हमें काउंट करना है और 53 तक चलना है। क्या करना है, 7 से हम काउंट करेंगे और कहां तक हमें चलना होगा, यहां से बेटा, यहां से हमें चलना होगा 53 तक। तो यदि हम जो है 7 से 53 तक एकदम काउंटिंग करते हैं तो वह काउंटिंग हमारी कितनी बैठेगी, 47। ठीक, इसी प्रोसेस पर आधारित हमने अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी समझना है। इसके क्वेश्चन नंबर 7 को और समझ लेते हैं बेटा, इस एक्सरसाइज में जो शेष बचा है। क्वेश्चन नंबर 7, पुट द एप्रोप्राइट साइन ग्रेटर देन और लेस देन इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स हमने सिर्फ इसमें इतना ही पता करना है बेटा कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा नंबर हमारा छोटा है। इसमें से हम एक को करके देख लेते हैं, उसी प्रकार से बाकी के पार्ट्स आप इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट फर्स्ट को हम लेते हैं। यहाँ पर है 32,785 और हमें पता करना है 34,579। इन दोनों दिए गए नंबर में से, इन दोनों दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या, यानी कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर हमारा छोटा है। तो हम लोग इसको बेटा जब करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, मैं से आपको थोड़ा सा जूम करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको करने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम पता करेंगे इसके जो बेटा नंबर्स हैं, ये जो सबसे लेफ्ट हैंड पर जो सबसे पहला नंबर है हम उस नंबर को लेते हैं, और जो दिए गए दूसरी संख्या है उसके फर्स्ट डिजिट को हम लोग देखेंगे। इसका पहला अंक और हमारे जिससे हमें तुलना करनी है उसका पहला अंक हम पता करते हैं कि क्या ये दोनों अंक आपस में बराबर हैं या छोटे हैं या आपस में एक दूसरे से बड़े हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 3 और 3 दोनों ही नंबर ऐसे हैं, सॉरी डिजिट हमारे ऐसे हैं, दोनों ही अंक ऐसे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर जो है एक अंक को कंपेयर करके पता नहीं कर सकते। जब हम यहाँ पर जो है डिसाइड नहीं कर पाते तो उससे आगे चलते हैं सेकेंड के पास, और दी गई संख्याओं का जो सेकंड डिजिट है, जो दूसरा अंक है बेटा, वो यहां पर है 2 और यहां पर है 4। यहां से देखिएगा, मैंने ब्लू कलर में दिखाया है आपके लिए, ये यहां 2 है और यहां ये हमारा 4 है, यानी कि ये जो नंबर्स हैं हमारे 2 और 4 इनको कंपेयर किया है। तो यहां पर 2 लेस देन 4 है, यानी कि 2 छोटा है 4 से, 2 लेस देन 4। यदि हमारा इस संख्या का ये नंबर छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा नंबर है जिसे मैं यहाँ पर ब्लू कलर में सर्कल कर रहा हूं, ये जो दिया गया नंबर है ये हमारा छोटा है, स्मॉलर वन है। इसी प्रकार से हम लोगों ने यहां पर शो कर दिया बेटा कि ये जो नंबर है इस लेस देन 34,579। अंडरस्टैंड, इस प्रकार से बेटा ये हमारा जो है आंसर हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से आपको जो है बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2, 3, 4 वो आपको करने होंगे। चलिए तेजी से मैं उनको भी जो है सॉल्व करके आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट फर्स्ट में बेटा देखा है, ठीक उसी प्रकार से पार्ट सेकंड में हम लोग उसी प्रकार से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, उसी प्रकार से पार्ट थर्ड में और इसी प्रकार से पार्ट फोर्थ में। इस प्रकार से बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में चालू हो गया, और ये जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 जो होल नंबर पर आधारित है, इस प्रकार बेटा हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 को आज कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट में आपकी एक्सरसाइज 2.2 को हम लेकर आएंगे और उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे, उसको समझाएंगे भी। तो गॉड ब्लेस यू।